नमस्कार। जीके कनेक्शन को परसों 1 साल हो जाएगा। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने का जो पर्पज था वो ये था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग जो ये कहते हैं कि साहब हमारे पास में गाइडेंस की कमी है, उचित निर्देशन की कमी है, तो उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए इस चैनल का प्रारंभ किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब बिना कोचिंग के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, कोचिंग निश्चित रूप से थोड़ी सी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। बुक्स घर पे हैं, हाथ आपके खुद के हैं, पेन आपके पास में है, बढ़िया से नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से रिवीजन करो, ठीक है। और आप कह सकते हो साहब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, तो मैं कहता हूँ कोशिश करो, समझो। और समझ नहीं सकते, उस चीज़ को मूल मर्म बना करके, नोट्स बना करके लिख लो। जैसे सपोज करो डॉपलर प्रभाव है, आपके समझ में नहीं आ रहा, किताब में दे रखा है, उसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं साहब भारतीय अर्थव्यवस्था क्या पढ़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था या तो कृषि पर पूछेंगे, दैनिक जिंदगी का हिस्सा है, उद्योग धंधों की स्थिति पूछेंगे, वैश्वीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, विभिन्न संस्थाओं की भूमिका हो गई, उसमें क्या शिक्षक करेगा। जैसे एक बात बताओ, आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि साहब विनियामकीय आयोग जो है ना, कोई भी ले लीजिए, उसकी भूमिका क्या है, तो टीचर क्या पढ़ाएगा। आज मैं हूँ, मैं भी ये कहता हूँ मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो, मान लो दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में गांधी जी है, कांट है ना, भगवत गीता है, स्वामी विवेकानंद का दर्शन, या किसी का भी कोई दर्शन है, परिवार की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है मूल्यों के विकास में, तो इसमें कोई क्या पढ़ाएगा। आपको खुद को चीज़ों को पढ़ना है, शॉर्ट के अंदर उसके नोट्स बनाने हैं। बाकी इस बार मैं कोशिश करूंगा, आप कोई भी अगर सवाल पूछते हैं तो इधर उधर से मैं पूछ करके, खुद पढ़ करके निश्चित रूप से आपको उसका सवाल बताने की कोशिश करूंगा। चाहे आरएस मुख्य परीक्षा की बात हो या अन्य परीक्षा की बात हो, मेरा ये कहना है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनसे आप अपनी शुरुआत कीजिए, और जो सिलेबस है उसको हर समय अपने पास में रखें, सिलेबस को हृदयंगम कीजिए। और आरएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की साथ में तैयारी कर लीजिए, और ऐसी तैयारी मत कीजिए जिसमें विकल्पों की जरूरत रहे। जैसे 1857 की क्रांति एक चैप्टर है, कल्पना कीजिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति, बिना पहले पढ़ लिया ध्यान से और फिर नोट्स बना लिए, और फिर बिना पूछे आपको आना चाहिए, हाँ साहब 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, ठीक है। इसकी प्रकृति को लेकर के सीले महोदय क्या कहते हैं, सावरकर महोदय क्या कहते हैं, आउटरम महोदय क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, कहाँ पर फैला, कहाँ पर किसने नेतृत्व किया, उस समय अंग्रेज अफसर था वो कौन था, और विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे वो कारण क्या थे, ये चीज़ें आपने हृदयंगम कर ली, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है।